हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज हम लोग एक अलग ही रेसिपी ट्राई करने वाले हैं। क्या आप लोगों में से कभी किसी ने चिकन के पीसेस को स्टिक में डालकर रोस्ट कर खाए हैं? शायद आप लोगों में से बहुतों ने खाए भी होंगे, लेकिन ये कुछ हटकर है, कुछ अलग है। तो आप लोगों में से जो भी चिकन के शौकीन हैं, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए किस तरीके से हम लोग चिकन के पीसेस को स्टिक में डालकर रोस्ट कर खाते हैं और साथ में क्या क्या लेते हैं और आज के रात को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस रेसिपी के लिए सबसे पहले बैम्बू को फाड़कर 1.5 से 2 फुट लंबा आपको कुछ स्टिक्स बनाने होंगे और फिर उसको पतला कर स्मूथ बनाना होगा ताकि उसमें से कोई कांटा बाहर ना निकले। आप चाहे तो कुछ दूसरे स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बेम्बू से करें तो कुछ इस तरीके से 5 से 6 स्टिक्स आपको बनाकर रेडी करने होंगे। और फिर चिकन के पीसेस को स्टिक में डालकर पकाने के लिए आपको सबसे पहले आग जलानी होगी कुछ इस तरीके से, और चाहे तो आप कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें 2 चूल्हा बनाया है, एक अलग से जलाकर सब लोग साथ बैठने के लिए और एक में मीट पकाने के लिए एक्चुअली। तो इस तरीके से आप कोयले को फूंक कर भी या फिर अलग से आग जलाकर रेडी कर सकते हैं और उसके बगल में चिकन के पीसेस को रख कर पका सकते हैं। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम लोग अंदर चलते हैं और इस रेसिपी के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है जानते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों का ये न्यू ईयर पार्टी के लिए अभी अरेंजमेंट हो रहा है। ये चिकन को थोड़ा सा नमक और हल्का सा तेल देकर हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको इस बैम्बू स्टिक में डालेंगे और फिर आग में इसको पकाएंगे। जलाने का जैसा होगा, अलग से थोड़ा हटकर होगा। और फिर इसके बाद और भी कुछ अलग अलग रेसिपीज हैं जिसको मिलाकर आज हम लोग एंजॉय करेंगे 31st का नाइट। तो एक के बाद एक रेसिपी आने वाला है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग लाई चिकन जो सूप है उसका हम लोग मजा लेंगे। साथ ही में दूसरी रेसिपियों के लिए भी तैयारियां चल रही है बनाने के लिए। अब ये चिकन के पीसेस को बैम्बू स्टिक में डाल रहा हूँ। एक एक कर सारे पीसेस को 6 स्टिक्स में डाल दूंगा और इस तरीके से इसको सीधा आग के ऊपर में सेक सेक कर पकाएंगे हम लोग। और पीसेस को डालते समय ध्यान रखना है कि आपस में कुछ गैप रहे ताकि जब भी हम लोग इसको आगे आग में पकाएं तो बराबर रोल इसके साथ हम लोग कर सके। और इस तरीके से हम लोगों ने इसे एक एक पीस कर बम्बू में बढ़िया से डाला है। कुल 6 स्टिक्स में हम लोगों ने इन पीसेस को डाले हैं और फिर अभी धीरे से इसको आग में पकाएंगे हम लोग। और ये आ गया हमारा चिकन स्टिक्स। अब इसे हम लोग बढ़िया से पकाएंगे आग में। यहाँ कोयला हमने रेडी कर दिया, बगल में आग भी जल रही है। और दोस्तों, इस तरीके से चिकन के पीसेस को पकाने के लिए देखिए, इस कोयले के चूल्हे के बगल में हम लोगों ने ईंट थोड़ा ऊंचा करके रखा है, एक के ऊपर एक, दोनों साइड में 3-3 ईंट हम लोगों ने रखा है ताकि जब भी हम लोग स्टिक्स को इसके ऊपर रखें तो एक ऊंचाई में वो स्टिक्स रहे और नीचे से जो गर्म भाप जो आग तपने के कारण जो ऊपर आएगी तो वो मीट के पीसेस को ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि वो जल ना जाए। तो इस तरीके से ध्यानपूर्वक हमें इन स्टिक्स में लगे हुए मीट के पीसेस को पकाने हैं और आगे समय समय पर इसे रोल करते हुए घुमाते रहना है। और अभी हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टिक को डाल रहे हैं चिकन के पीसेस के साथ कोयले के ऊपर। आज एक्चुअली इस रेसिपी का प्रधान नायक यानी क्या कह सकते हैं कुक में ही हूँ, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है ताकि चीज़ें नीचे झड़ जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे चिकन के सारे स्टिक्स को इसके ऊपर रखना है और पकाना है। और एक ज़रूरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था, एक्चुअली जब भी आप ये बम्बू के स्टिक्स को बनाएंगे इस तरीके के काम के लिए तो एक नोक को आपको पॉइंटेड बनाना है ताकि मीट के पीसेस
को जब भी आप चीर के डालते हैं इसे, तो वो सही ढंग से इसके अंदर आ जाएं। थोड़ा सा कोयला डालकर इस आग को थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि जब तक हम लोगों का खाना बन जाए, धीरे धीरे इस तपती हुई आग में एक एक करके सारे चिकन के पीसेस बराबर पक जाएं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में। ये हम लोग मज़ा करते रहेंगे, इधर से उधर बातें करते रहेंगे, आग के पास भी बैठे रहेंगे, और खाने का समय होते होते ये सारे चिकन के पीसेस भी पक जाएंगे। तो जब तक चिकन के पीसेस पक कर रेडी हो जाए, तब तक हम लोग सूप का मज़ा लेंगे। और ये लाई चिकन सूप रेडी होकर आ गया है, स्पेशल लाई चिकन सूप। ये ऑयल फ्री सूप है, इस पे तेल का एक बूंद भी नहीं है। ये बहुत स्पेशल तरीके से पकाया जाता है, ये एक्चुअली ट्रेडिशनल डिश है। इस डिश के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो अलग से एक रेसिपी का वीडियो पहले से बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, लिंक ऊपर में दे दिया गया है। ये तेल और हल्दी के बिना बनाया गया बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और इधर चिकन के पीसेस रेडी हो रहे हैं, धीरे धीरे आग में पक रहे हैं, कुछ काले हो रहे हैं धुएं में, समय लगेगा अभी, इसको धीरे धीरे घुमाते रहना है। ये भी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो काफ़ी टेस्टी बनता है। इसको अगर हम लोग नमक या काला नमक के साथ, प्याज और मिर्चे के साथ लेते हैं, तो काफ़ी स्वादिष्ट ये एक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी होता है। और इधर हम लोग सब मिलकर लाई चिकन सूप का मजा ले रहे हैं। ये स्पेशल लाई चिकन सूप है, ऑयल फ्री है टोटली, इसमें कोई एक बूंद तेल इसमें नहीं डाला है किसी भी तरह का। इसको स्पेशली लाई साग के साथ बनाया गया है, तरीका बहुत अलग है, हटकर है, लेकिन एकदम आसान है, काफी स्वादिष्ट बनता है। ये तंदूरी चिकन का आइटम है, ये हम लोगों ने बाहर से मंगाया है स्पेशल, कुछ अलग हटके होगा इसलिए ड्राई आइटम होगा। ये चिकन है जो स्टिक्स में दिया गया था, इसको हम लोगों ने अलग सजाया है बढ़िया से, और यहाँ मिर्चा और प्याज कट रहा है साथ में एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो को बराबर पा सकें। धन्यवाद।